जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में। एक आसान सा वीडियो में हम देखेंगे आपके कम से कम एक 8 नंबर का जो सवाल आपसे हर साल पूछा जाता है, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर, ओके, दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में आपको पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न पूछा गया है, और उसके बाद इसी वीडियो में हम उसका आंसर देख लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2017 में दोस्तों हम चल रहे हैं सेकेंड पेपर के पास, ठीक है। सेकेंड पेपर आपके सामने आ गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। इसमें सेक्शन बी का एक प्रश्न, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10वां प्रश्न देखिए, कक्षा 9वीं के किसी एक प्रकरण पर 10 प्रश्न बहुविकल्पी एवं 5 प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्नों को निर्मित कीजिए, ओके। कंस्ट्रक्ट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर एनी टॉपिक फॉर क्लास 9। यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ पे 9, ओके 9 ही लिखा है, करेक्ट। मतलब किसी एक क्लास के, किसी एक सब्जेक्ट्स के, किसी एक प्रकरण पे, किसी एक टॉपिक पे आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 5 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको बनाना है, 5 अति लघुत्तरी बनाना है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं 2018 के प्रश्न पत्र पे। तो आप देखेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। हम चलते हैं आपके सेकंड पेपर की तरफ, और सेकंड पेपर आपकी स्क्रीन पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान। तो हम आ जाते हैं आपके सेक्शन बी की तरफ कि क्या सेक्शन बी में इस प्रकार का कोई सवाल पूछा है सन 2018 में। तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे एक सवाल मिलेगा कि कक्षा 8 के किसी एक प्रकार पर 5 वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स और 5 लघुत्तरीय, या 5 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस फॉर एनी टॉपिक ऑफ क्लास 8। तो आपने देखा 17 में पूछा था, 18 में भी पूछा था। अब आइए हम चलते हैं 2019 की तरफ, ठीक है, कि क्या आपके 2019 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों 19 में इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे गए, ये हकीकत। तो अब हम आ जाते हैं सीधा 2020 की तरफ, ठीक है। 2020 में भी अगर आप देखेंगे बच्चों 2020 के क्वेश्चन पेपर पे, हम आ जाते हैं पेपर 2 और सेक्शन बी की तरफ। तो पेपर 2 आपने देखा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, और हम आ जाते हैं सेक्शन बी में जो सवाल पूछा जाता है उसको देखिए। तो यहाँ भी पूछा है कक्षा 10 के किसी एक प्रकरण पे 10 प्रश्न बहुविकल्पी और 5 प्रश्न अति लघुत्तरीय निर्मित कीजिए। तो आपने देखा इसके बाद से नहीं पूछा है, 3 बार पूछा है। तो आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं हो पिछले 2 बार से नहीं पूछ रहा है, 21 और 22 में, ठीक है। 20 में तो कुछ इस प्रकार से पूछा था, तो पूरी पूरी संभावना है कि इस बार आपसे पूछ सके, ठीक है। तो ये हो गई बात प्रश्न की। प्रश्न क्या था, किसी एक विषय के। अब जब किसी एक विषय की बात करें तो आपको उस विषय में लिखना है जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे अगर आप उस विषय के अलावा भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका जो विषय है उसके उस विषय से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स और 5 प्रश्न शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनाना है। आपको केवल प्रश्न बनाना है किसी एक ही प्रकरण पे, प्रश्न बनाना है, आंसर भी लिखना है, केवल प्रश्न बनाना है। कैसे बनाना है आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं और देखिए आपको लिखना कैसे। यहाँ पे आपको शुरुआत करना है, जैसे आपने प्रश्न दिया कक्षा 10 के प्रकाश प्रकरण पे, आपने जो प्रकरण आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा। तो कक्षा 10 के प्रकाश प्रकरण पे 10 बहुविकल्पी एवं 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब आइए, अब आपने सिंपल से एक काम करना है बच्चों कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न केवल बना देना है किसी एक प्रकरण पे। तो आपने नीचे लिख दिया कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 वैकल्पिक उत्तर ABCD दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर सही है, कृपया सही उत्तर का चुनाव करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पे आप जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है ना, जैसे आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वैसे ही बना दीजिए। तो आपने क्वेश्चन पेपर बना दिया, पहला लिखा कि प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है, हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। आंसर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, केवल आपको क्वेश्चन निर्माण करना है, आप अपने विषय पर कर सकते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी लड़की है, ओके सॉरी, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारणों में ऐसा परिभाषित होता है, मतलब किस कारणों से, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विवर्तन, प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश विसर्जन, ठीक है। ये सब प्रकाश से ही आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पानी में डूबी, सेम वही प्रश्न आ गया, ओके सॉरी यहाँ पर रिपीट हो गया। थर्ड वन है कि प्रकाश का वेग है, यहाँ ये तो सिंपल सा सवाल है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, आपने बस ऐसे विकल्प दे देना है। एक और बात, विकल्प सही हो उसमें से कम एक विकल्प तो सही हो। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, ठीक है,
सात दस बारह पाँच, आपने ऐसे लगा देना है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश कब बनते हैं, आपने विकल्प दे देना है, जो भी आपको चार विकल्प लगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, लाल पीला नीला बैंगनी, ठीक है, एक विकल्प इसमें सही रहेगा। सातवां, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, आपने यहाँ पे आंसर दिया एक विकल्प सही है। इसी प्रकार से आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल है बिल्कुल सही। आठवां, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किरण छाई जाती है क्यों, प्रकाश अपवर्तन के कारण, प्रकाश परिवर्तन, प्रक्षेपण या प्रकीर्णन के कारण। नौवां दोस्तों, रोगियों के दांत में दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल अवतल समतल इनमें से कोई नहीं। अगर आप भौतिकी विज्ञान के विद्यार्थी हो तो बखूबी इस उत्तर को समझते होंगे कि सब प्रकाश प्रकरण पे है, ठीक है। दसवां दोस्तों, प्रकाश में सात रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों के, पौधों के रंगों से, या फिर रंगों का अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक विकल्प यहाँ पे सही है। तो इसी प्रकार से आपने अपने विषय पे, आप किसी एक प्रकरण पे आप क्या करेंगे, अपने विषय जो भी आपका विषय है उस पर आप बना देंगे, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे नीचे, आपको पांच अति लघुत्तरी भी तो बनाना है, तो अति लघुत्तरी प्रश्न के लिए यहाँ पे आप अति लघुत्तरी बना देंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न। अब इसमें क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के 2F पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, ये उसका सवाल है। वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार की प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ठीक है। एक दर्पण के सामने कहीं भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तो दर्पण होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता का वक्र अर्धव्यास में संबंध होता है, ठीक है। मोटर गाड़ी में पीछे आती हुई ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्यों, तो आपने यहाँ पे पांच क्या कर दिया बच्चों, पांच आपने यहाँ पे अति लघुत्तर प्रश्न बना दिया, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही हो गया और ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आपका जो भी विषय है उस विषय पे आपको ऐसे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बना देने हैं और एक लघुत्तर, ये पांच यहाँ पे लघुत्तर, मतलब जिस तरीके से क्लास में पूछे, जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे, आपको इस तरह से कंप्लीट बना देना है, तो ठीक है दोस्तों, कर लेंगे आप लोग आसानी से, कोई मुश्किल नहीं। और आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, कई बार पूछा भी गया है और आशा करते हैं कि इस बार भी पूछा जाए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी इस तरीके के प्रश्न हैं जो कई बार पूछे हैं उनको हम अलग से 5-6-10 वीडियो में उसको ख़त्म कर लेते हैं जो कि कई बार पूछे हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका 80% 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने एक वीडियो देखा था और आज हमने देखा, इसी प्रकार से 5-6 दिन में एक विषय तो समाप्त कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब मेरी एक बहुत खास रिक्वेस्ट है आपसे, आपने वीडियो देखा, अब प्लीज़ वीडियो देखा, प्रश्न समझे, प्रश्न बनाने का तरीका समझे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने ये जा रहा हूँ कि आपका जो भी विषय है ना उस विषय पे एक बार अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। आप आसानी से उस विषय का एक बार अभ्यास कर लीजिए, कम से कम 10 बहुविकल्पी और 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न का निर्माण कर लीजिए। अगर आप तुरंत कर लेते हैं तो ऐसा होगा कि आपका ये 8 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, मतलब ये तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि अभी आपने देखा है, फिर आपको बस एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना होगा। तो बताइए आप करने जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद तुरंत आप एक कॉपी पर उठाइए और आप एक कोई प्रकरण सोच लीजिए, डेफिनेटली प्रकरण आप वही सोचने वाले हैं जो कि आपका फेवरेट टॉपिक हो, और उस पर 10 ऑब्जेक्टिव और 5 बहुविकल्पी और 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न आप बना लीजिए, ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस तरीके के प्रश्न को बना के टेलीग्राम पर भेजते हैं, और अगर आपकी इच्छा होगी तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर यूट्यूब पर भी शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप मना कर देंगे तो YouTube पे नहीं शेयर किया जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो शेयर किया जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर Telegram से जुड़े हुए बच्चे इस तरीके से 10 बहुविकल्पी और 5 अति लघुत्तर प्रश्न बनाकर Telegram पे भेजते हैं, तो मैं भी तो देखूं कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये समझिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आशा करता हूं कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड जरूर आएगा, आप ये टॉपिक पे जरूर बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आशा करता हूं ये टॉपिक समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, बहुत कम बातें होती है, फालतू बातें नहीं होती है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करके जुड़ते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए ताकि कम से कम टीम बने और हम साथ में पढ़ाई करें। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, होमवर्क करना ना भूलें, टेलीग्राम के साथ ही टेलीग्राम पर भेजना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।